नमस्कार, आप सबका स्वागत है जेके 247 में और मैं हूं अनिल शर्मा। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जम्मू में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले जो हैं वो इस समय उफान पर हैं और कई सारे लोग जो हैं दुविधा में हैं। जो इस वक्त तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। पानी के बहाव इतना तेज़ था कि ये जो घर है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पानी के बीचों बीच नज़र आया। और उसके बाद और एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि देर अगर बात की जैसे सुबह से ही आप देख रहे हैं पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नदी नाले जो हैं वो इस समय उफान पर नज़र आ रहे हैं। और तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा कि किस तरह से बीचों बीच जो है ये दृश्य कि एक परिवार जो है लगातार स्थानीय लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप यहाँ से बाहर आ जाएं, और क्योंकि किसी भी तक पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ आ सकता है। ये वार्ड नंबर 64 का जिक्र करते हैं, ये उस तरफ की तस्वीरें हैं। और कॉरपोरेटर का जिक्र करें तो कई बार स्थानीय लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया और उसके चलते कॉरपोरेटर का अगर जिक्र करें तो कोई भी कार्यालय अगर कार्य की बात करते हैं कोई भी ऐसा कार्य जो है वो देखने को नहीं मिला। और तस्वीरें इस वक्त साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नन्ना सा बच्चा जो है वो पानी को यहाँ से निकालता हुआ अपने कमरे से, और दृश्य काफ़ी हैरान करने वाले जो इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आप देख सकते हैं पानी का बहाव धीरे धीरे जो है वो अब तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और उस तरफ आप मकान देखेंगे कि मकान जो है वो पूरे पानी के बहाव के बाद किस तरह से तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार पानी का स्तर जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता हुआ। और जितने भी इस समय दर्शक देख रहे हैं आज खबर के माध्यम से इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जम्मू में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते इस खबर को आप ज़रूर शेयर करें और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं कि वार्ड नंबर 64 की हालत क्या है और इस समय इस मोहल्ले का जिक्र करें तो क्या कुछ हाल किस तरह से है वो सरकार यहाँ पर देखे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी जो है वो अब और तेज़ रफ्तार पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है और किसी भी वक्त ये पानी जो है वो बढ़ सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको जम्मू से बताने की प्रयास कर रहे हैं, जम्मू के वार्ड नंबर 64 में किस तरह से मूसलाधार बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। और कॉरपोरेटर का जिक्र करें तो कॉरपोरेटर वो कह सकते हैं कि आँखें मूंद कर सोए हैं। लगातार पिछले 1.5 से 2 बरस से उन्हें कहा जा रहा है कि आप इसको लेकर जो है एक कार्य करें और उनकी तरफ से लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक बाहरी राज्य का परिवार जो है इस समय दुविधा में फंसा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है और कॉरपोरेटर जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे बारिश अब जो है वो और तेज़ होती हुई नज़र आ रही है, पानी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होना होगा, जागरूक होना होगा कि किस तरह से अगर ज़्यादा आपदा आती है तो किस तरह से यहाँ से सेफर सुरक्षित लोकेशन पर ये स्थानीय लोगों को यहाँ पर ले जाना होगा। मगर आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो या कॉरपोरेटर हो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये तस्वीरें जम्मू से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आज खबर के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से जलस्तर जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक मकान की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरह से ये देख सकते हैं कि ये पानी के बहाव में पूरा जो इसका पिछला हिस्सा है वो पानी के बहाव में बह चुका है और टीने तक टूट चुकी हैं।
और किसी भी वक्त अगर बारिश और भी तेज होती है और पानी का बहाव तेज होता है तो हो सकता है कि इस मकान को पानी के बहाव तेज रफ्तार में बहकर ना ले जाए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो है सुरक्षित जो है स्थानीय लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो अलग जगह पर पहुंचाया जाए। और ये तस्वीरें दिखाने का एक ही मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट हो जाए, जो इस वक्त तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, क्या कॉरपोरेटर सोए हैं। उन्हें लगातार प्रयास किया जा रहा है, फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं और वो कॉल उठाने तक भी नहीं, अपना जो है वो अपना फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे बारिश जो है वो तेज़ रफ्तार पकड़ती हुई और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तब तक के लिए आप बने रहें कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। अनिल शर्मा की रिपोर्ट आज खबर के लिए।